नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। भाजपा की सांसद मेनका गांधी एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई है। बता दें कि इस बयान में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया है। उन्होंने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया है। उनका बयान है कि आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। ये लोग गौशाला चलाते हैं, इसके लिए इन्हें सरकार हर तरह की मदद देती है, बड़ी बड़ी जमीनें देती है, इसके बावजूद आप इनके गौशाला में जाएंगे तो आपको एक भी ऐसी गाय नहीं मिलेगी जो दूध देती हो। मैं अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित इस्कॉन गौशाला में गई थी, वहां मुझे एक भी बछड़ा नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये लोग इन्हें कसाई खाने को बेच देते हैं। जितना इस्कॉन वाले गायों को कसाईयों के हवाले करते हैं, शायद उतना कोई नहीं करता। इस्कॉन के लोग सड़क पर हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए फिरते हैं और कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। जितना इन लोगों को गाय और बछड़ों को कसाईयों को बेचते हुए देखा है, शायद इतना किसी ने नहीं किया होगा। वन मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। वही अब मेनका गांधी को पलटवार करते हुए इस्कॉन संगठन ने ट्वीट कर आरोपों को निराधार और झूठा बताया। बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युधिष्ठर गोविंदा दास ने कहा कि इस्कॉन ने केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैलों की रक्षा की है और उनकी देखभाल में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गायों और बैलों की जीवन भर सेवा की जाती है, ना कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है जैसे कि आरोप लगाया गया है। वहीं मंदिर प्रशासन ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्कॉन दुनिया के कई हिस्सों में गायों का संरक्षण कर रहा है जहां पर गौ मांस का मुख्य भोजन है। इस्कॉन ने कहा कि हमें मेनका गांधी के इस बयान से हैरानी हो रही है क्योंकि वह हमेशा इस्कॉन की शुभचिंतक रही है। साथ ही प्रशासन ने कहा कि भारत में इस्कॉन 60 से ज्यादा गौशाले चला रहा है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाय और बैलों की रक्षा की जाती है, उनकी पूरी जिंदगी भर यहाँ पर देखभाल होती है। वहीं इस्कॉन की गौशाला में आने वाली गाय वो होती है जो वध से बचाई जाती है। वहीं खबर है कि मेनका गांधी का ये इंटरव्यू करीब एक महीने पुराना है। कहा जा रहा है कि माँ का दूध नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली डॉक्टर हर्षा आत्मकुमारी ने भाजपा सांसद से इसमें बात की। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देखते रहें इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।